नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस क्लास में प्लांटई किंगडम यानी पादप जगत। पादप जगत के बारे में इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी दो जो किंगडम है उन्हें हम वहां पे डिस्कस कर रखे हैं। अगर उन वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से उस लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम आगे बात करते हैं प्लांटई किंगडम यानी पादप जगत। पादप जगत के बारे में डिस्कस करने से पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि जैसे कि इनको हमने पहले पढ़ लिया था, पूरे ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया था, उसको आपको थोड़ी सी रिमाइंड करा दें, यहाँ पे थोड़ी सी मेमोराइज करा दें ताकि आपको याद आ जाए। तो सबसे पहले हमने देखा था कि एक वैज्ञानिक जो थे 1774 ईस्वी में वो आए और पूरे किंगडम को, पूरे ऑर्गेनिज्म को क्या किए, पूरे ऑर्गेनिज्म को सबसे पहला उन्हें क्लासिफिकेशन का जनक भी कहा जाता है, वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। तो वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, कैलोरस लिनियस। तो कैलोरस लिनियस जी आए, कैलोरस लिनियस, कैलोरस लिनियस इन्होंने आए और पूरे ऑर्गेनिज्म किंगडम को, उन्होंने पूरे ऑर्गेनिज्म को दो भागों में डिवाइड कर दिया, पादप और जंतु। इसके बाद अगर बात करें कि जो कैलोरस लिनियस थे इनका जो था इसको डिवाइड करने के लिए किस तरह का प्रयोग किया था, उन्होंने किस आधार पे इसे, अगर बात करें कि किस बेस पे इन्हें डिवाइड किया था, तो इन्होंने एक्सटर्नल कैरेक्टर के माध्यम से डिवाइड किया था। अगर बात करें एक्सटर्नल सोर्स और एक्सटर्नल माध्यम यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है कि जैसे कि पौधों को उन्होंने देखा कि ये पेड़ पौधे हैं, उनके आकृति आकार इस तरह, पत्ते और जड़ हैं, इसमें क्या किया इन्होंने पादप में रख दिया, यानी एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल कैरेक्टर जो उनके बाह्य गुण थे, बाह्य माध्यम थे, उसके माध्यम से। अगर बात करें जंतुओं के, तो उन्हें लगा कि नहीं ये पेड़ पौधे से भिन्न है, ये जंतु हैं, इनमें अलग तरह के हैं, जैसे पेड़ शाखाएं और जड़ इस तरह से नहीं है, तो उनको उन्होंने क्या किया जंतुओं में डिवाइड कर दिया है। इस तरह उन्होंने टू क्लासिफिकेशन कर रखा था। आगे हम इसी में बात करते हैं कि एक वैज्ञानिक 1969 यानी 1969 में आए और उन्होंने क्या किया, पूरे ऑर्गेनिज्म को फाइव क्लासिफिकेशन किया। वो वैज्ञानिक कौन थे, आरएच विटेकर, आरएच विटेकर, आरएच विटेकर 1969 में आए और उन्होंने क्या किया पूरे ऑर्गेनिज्म को फाइव क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया। अगर यहां पे हम बात करें फाइव क्लासिफिकेशन कौन कौन से थे, जैसे कि हमने पढ़ा मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, प्लांटई और एनिमिलिया, इस तरह से इन्होंने पांच क्लासिफिकेशन कर दिया। अगर बात करें कि यह किस बेस पे इनको क्लासिफाइड किए, तो ये एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, इनका क्लासिफिकेशन करने का बेस क्या था, एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी दोनों माध्यम से इन्होंने देखा कि इनमें जो गुण है, इनका जो कैरेक्टर है, ये क्या है, अलग अलग है, तो उनको अलग अलग डिवाइड करके, जैसे कि मोनेरा में रख दिया और प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा के जो गुण मिलते थे उनमें रख दिया। इस तरह से जो पादप थे, पादप के जो गुण थे, सभी पादप को एक में डिवाइड कर दिया, पादप किंगडम बना दिया उन्होंने। उसी तरह की जो जीव जंतु थे मुख्यतः बहुत सा विकसित, उन्होंने एनिमिलिया में डाल दिया उनको। तो इस तरह से क्या किया इन्होंने पांच क्लासिफिकेशन कर दिया, कितने, पांच। तो उसी क्लासिफिकेशन जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों माध्यम से जो आरएच विटेकर पढ़े हैं, उसी का हम तीसरा क्लासिफिकेशन आज पढ़ेंगे, कौन सा, प्लांटई किंगडम। इससे पहले हमने दो क्लासिफिकेशन को ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो हम बात करते हैं यहां पे प्लांटई किंगडम के बारे में। प्लांटई किंगडम के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, तो प्लांटई किंगडम में वो सारे पौधे, पेड़ पौधे जो हैं वो रखे गए हैं जो कि हमारे बायोस्फीयर, अगर बात करें बायोस्फीयर
बायोस्फीयर यानी जैवमंडल। जो हमारे जैवमंडल में सारे पेड़ पौधे ए टू जेड जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सारे किस में रखे गए हैं, किस में क्लासिफाइड कर दिया गया है, प्लांटाई किंगडम यानी पादप जगत में रख दिया गया है। तो हम यहाँ पे बात कर लेंगे कि जब ये पादप हैं तो ये क्या होंगे, स्वपोषी। स्वपोषी स्वपोषी बात करें तो ये ऑटो ट्रॉफिक होंगे, ऑटोट्रॉफिक। स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते होंगे। अगर हम बात कर लें यहाँ पे इनके सेल के बारे में, यहाँ हम बात करें कि इनका जो सेल होगा वो कैसे होगा, तो इनका सेल होगा, सेल की बात करते हैं, मल्टी सेलुलर। कैसा होगा इनका सेल, मल्टी सेलुलर यानी जो ये प्लांटई जो किंगडम है इसमें बहुकोशिकीय टाइप के पौधे रखे जाते हैं यानी बहुकोशिकीय होते हैं। और अगर आगे बात करें इसमें हम कि जो ये बहुकोशिकीय हैं और इनका जो सेल वाल है, इनका जो सेल वाल वो किस चीज के बने होंगे, तो इनका सेल वाल सेलुलोज के बने होते हैं। और यहाँ पे आगे हम देखें कि जब ये प्लांट होंगे तो प्लांट होने के साथ साथ ही ऑटोट्रॉफिक भी हैं, अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। तो इनमें क्या होता, अपना भोजन स्वयं निर्माण क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें अपना भोजन निर्माण करने के लिए क्षमता होती है। ये किसके कारण होती है, तो इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट नामक एक पिगमेंट पाया जाता है जिसके माध्यम से ये अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी पौधे पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, क्लोरोफिल होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं जिसके माध्यम से ये अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेते हैं। लेकिन कुछ इसमें ऐसे भी पाए जाते हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट में ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो कि अपना भोजन तो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कर लेते हैं लेकिन कुछ उनका बाकी रह जाता है, पूर्ण रूप से नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, सहजीवता का निर्माण करके अपना भोजन पूर्ण करते हैं। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि हमने लाइकेन पढ़ा था, लाइकेन में क्या होता है कि उसमें कवक होते हैं और साथ में क्या होता है, फंजाई के साथ ज्वाइंट होते हैं उसमें शैवाल यानी एल्गी, एल्गी के साथ ज्वाइंट करके वो अपना भोजन पूर्ण करते हैं। अगर बात करें कवक का, फंजाई क्या करते हैं, पृथ्वी से वो जल खनिज लवण विटामिन इस तरह के वो पदार्थों को इकट्ठा करते हैं, और एल्गी का क्या काम होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है और दोनों मिलके अपना भोजन पूर्ण करते हैं। तो इस तरह के पौधे भी इसमें पाए जाते हैं। इसी तरह से हम बात कर लें इसमें कि ये जो है ऑटोट्रॉफी के साथ साथ एक प्रोड्यूसर भी होते हैं। प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर की बात करें तो उत्पादक, प्रोड्यूसर के साथ साथ उत्पादक भी होते हैं। उत्पादक को ये हम जैसे कि आप पढ़ रखे होंगे या तो हम आगे बताएंगे जब हम यहाँ पे इकोसिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे फूड चेन। जब फूड चेन की बात करते हैं तो फूड चेन में आपने पढ़ा होगा कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्रथम प्रकार के उत्पादक क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। क्या होते हैं, पेड़ पौधे। तो इसलिए उसे प्रोड्यूसर भी इन पादप जगत के ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। आगे हम इसी में बात करते हैं कि इसमें इनका तो गुण पढ़ लिया हमने, इनका कैरेक्टर पढ़ लिया कि किस तरह के होते हैं। इनका कैरेक्टर होता है कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और ऑटोट्रॉफिक होने के साथ साथ ये क्या होते हैं, अपना भोजन स्वयं निर्माण करके स्वपोषी होते हैं। और फिर इनमें क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसके माध्यम से फोटोसिंथेसिस करने का गुण इसमें विद्वान होता है और जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन निर्माण कर लेते हैं।
और इनका जो सेल वाल होता है, ये सेल वाल इनका क्या होता है, सेलुलोज का बना होता है। जैसे कि हम लोग पीछे पढ़ रखे थे जंतुओं के बारे में, प्रोटिस्टा और मोनेरा के बारे में, जो उनका सेल वाल होता है वो क्या है, वो सेलुलोज से नहीं बने होते, वो उनका सेल वाल जो होता है, उनका सेल मेम्ब्रेन होता है, वो क्या होता है, एक मेम्ब्रेन से बना होता है, एक प्रोटीन से बना होता है, और इनका क्या होता है, सेलुलोज से बना होता है। तो इस तरह से हमने इसका देख लिया कि इनका कैरेक्टराइज क्या है, और इन कैरेक्टरों के माध्यम से इनको प्लांटी किंगडम को विभिन्न वर्गों में भी डिवाइड किया गया है। तो इनके हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेंगे कि इनको कितने क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कि पूरे पादप किंगडम को सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस बेस पे किया गया, इनका क्लासिफाइड करने का बेस क्या है। अगर बेस की बात करें तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर यानी शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना। अगर हम दूसरे की बात करें तो संवहन ऊतक, संवहन ऊतक। तीसरे की बात करें यहां पे हम, तो तीसरा क्या है, तीसरा यहां पे है इसका बीज का निर्माण, बीजों के निर्माण के आधार पे, बीजों के निर्माण के आधार पे। तो यहां पे हमने देखा कि जो प्लांटी किंगडम को जो डिवाइडेशन किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, उनके तीन आधार पे किया गया है। शारीरिक संरचना यानी पौधे का जो पार्ट है, जो तना है, इनका शरीर है, बॉडी है, वो किस तरह से है। अगर दूसरे की बात करें तो संवहन ऊतक यानी इसका मस्कुलर टिश्यूज, यानी संवहन इसका जो खनिज लवण जल भोजन जो संवहन करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में अपने बॉडी में, तो किस आधार पे करते हैं, उसके आधार पे भी इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर तीसरे की बात करें हम यहाँ पे, तो तीसरा होता है बीजों का निर्माण। जैसे कि बहुत सारे पौधे हैं, उनके बीजों में वेरिएशन पाया जाता है, किसी बीज में खोल पाया जाता है, कोई बीज ऐसा होता है जो बिना खोल के होते हैं, तो इस तरह से इन्हें बीजों के आधार पर भी डिवाइडेशन किया गया है। तो हम बात करेंगे कि इसमें तीन क्लासिफिकेशन क्या हैं और किस तरह से प्लांटी किंगडम को डिवाइड किया गया है। तो पहला बात करेंगे तो यहाँ थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। अगर दूसरे की बात करें, दूसरा इसे ब्रायोफाइटा में डिवाइड किया गया है। और तीसरे की बात कर ले यहाँ पे तो ट्रेकियोफाइटा। तो इस तरह से इसे तीन भागों में, तीन क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर हम बात कर लें कि थैलोफाइटा का क्या कैरेक्टर होता है, थोड़ी थोड़ी यहाँ पे हम शॉर्टली बात करेंगे, इसके बाद इन तीनों को हम एक एक करके आगे बिल्कुल बेसिक लेवल से और बिल्कुल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा उन चीज़ों को समझेंगे एक एक करके आगे। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी होगा। जैसे कि थैलोफाइटा की अगर बात करें तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। जैसे कि नाम ही है थैलोफाइटा, यानी थैले के आकार का होता है। इसमें हम बात कर लें कि इसमें जड़, तना और पत्तियां कोई डिवाइडेशन नहीं होता, यह एक आकार का होता है इस तरह से, जड़ तना पत्ती इसमें बिल्कुल अभाव होता है। आगे हम बात कर लें ब्रायोफाइटा की बात कर लें तो इसमें जो है उस तरह के पौधे रखे गए हैं जिनमें पत्तियां और तने तो हैं, लीव्स और स्टम तो हैं, लेकिन इसमें रूट्स का अभाव होता है, यानी जड़ों का अभाव होता है, ये बिना जड़ वाले इसमें प्लांट रखे गए हैं। आगे हम बात करें ट्रेकियोफाइटा, तो ट्रेकियोफाइटा को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है, इसे भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख रहे हैं
पूरे पादप किंगडम को, पूरे प्लांटर किंगडम को तीन भागों में डिवाइड कर दिया, और उसके बाद ट्रैकियोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा को भी तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तीन भाग कौन कौन से हैं? ट्रैकियोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा जिसमें क्या है, इसमें बीज नहीं होते हैं, बीज रहित होते हैं। इस पर का इस जो किंगडम में, इस क्लासिफाइड में जो रखा गया है पौधों को, जो प्लांट्स को रखा गया है, उस प्लांट में बीज नहीं होते हैं। अगर बात करें जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म में क्या है, इसमें तो बीज होते हैं लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, खोल नहीं होता है, खोल रहित होते हैं। ये क्या होते हैं? खोल रहित, इसमें खोल नहीं होते हैं। इसमें इसे अनावृत, अनावृत भी कहा जाता है, अनावृत बीजी। अगर बात कर लें एंजियोस्पर्म, अगला क्या है एंजियोस्पर्म, इसमें क्या है कि खोल युक्त, खोल युक्त इसमें बीज होते हैं। खोल युक्त बीज होने के साथ साथ इसे और क्या कहते हैं एंजियोस्पर्म को, इसे आवृत बीजी पौधे कहते हैं, आवृत बीजी पौधे, आवृत बीजी पौधे कहते हैं। आगे हम बात करते हैं इसमें कि जो यहाँ पे हम इसमें आगे बात करेंगे थैलोफाइटा, तो थैलोफाइटा के स्पेशली हम अगर एग्जांपल देख लें तो थैलोफाइटा में आता है एल्गी, एल्गी यानी शैवाल। शैवाल मुख्य रूप से रखे गए हैं, तो थैलोफाइटा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के एल्गी, कौन कौन से एल्गी हैं, क्योंकि एल्गी के भी बहुत सारे टाइप हैं, और पूरे जितने भी एल्गी हैं वो थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। तो आगे हम बात करेंगे एल्गी के बारे में। फ्रेंड्स हम यहाँ पे आगे बात करते हैं थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के बारे में बात करते हैं। थैलोफाइटा के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या आ जाता है एग्जाम्पल, एल्गी, एल्गी यानी एल्गी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। थैलोफाइटों में अगर बात करते हैं कि इसके जो जनक थे, थैलोफाइटा के जो खोज करने वाले थे, इनको क्या कहते हैं, उनका नाम है वैज्ञानिक साइंटिस्ट का नाम फिच, फिच नामक वैज्ञानिक थे जो इसे वर्गीकृत भी किए और इसकी खोज भी किए। आगे हम बात करते हैं कि जो थैलोफाइटा होते हैं, जो एल्गी होते हैं, उनका निवास स्थान कहाँ होता है, तो ये इनका निवास स्थान तालाबों, तालाबों के साथ साथ ये कीचड़ और नमी वाले स्थानों में और ताजे जल में, ताजे जल इसके साथ लवणीय जल में भी, लवणीय जल, लवणीय जल की बात करें तो समुद्री जल में भी पाए जाते हैं और ये गर्म जल में भी पाए जाते हैं, गर्म जल में भी पाए जाते हैं। अगर गर्म जल की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं, औसतन गर्म जल जहाँ होते हैं वहाँ पे जो उनके अनुकूलता, अनुकूल जल होते हैं उनमें पाए जाते हैं। आगे हम बात कर लें कि जो थैलोफाइटा का होता है अध्ययन, उसको हम किस में करते हैं, तो इसका अध्ययन, अध्ययन हम फाइकोलॉजी, फाइको, फाइकोलॉजी में करते हैं, यानी जो थैलोफाइटा होते हैं उनको हम फाइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जड़ तने पत्तियां के रूप में ये नहीं होते, इनका नाम ही है थैलोफाइटा यानी थैलीनुमा होते हैं, ये कोई भागों में डिवाइड नहीं होते, एक ही इनका भाग होता है, इस तरह से कुछ इनका होता है, पूरा एक ही स्ट्रक्चर होता है, इनमें जड़ तना और पत्तियां यानी रूट्स स्टंप और लीव्स इसमें अनुपस्थित होता है, कोई जड़ तना पत्तियां इसमें नहीं पाया जाता है। आगे हम बात कर लें जैसे कि जो शैवाल,
शैवाल यानी एल्गी के बात करें हम यहाँ पे एल्गी के, तो जो एल्गी है वो जो चट्टानों पे पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लिथोफाइट। कि जो बर्फ पे पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिप्टोफाइट। क्रिप्टो फाइट यानी जो चट्टानों पे जो पाए जाते हैं एल्गी यानी शैवाल, उसे लिथोफाइट कहते हैं, और जो बर्फों में पाए जाते हैं उसे लिथोफाइट कहते हैं। अगर बात कर ले हम कि जो एल्गी होते हैं ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये ज्यादातर जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जल में। और कुछ जो हैं वो क्या है? स्थल पे पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने एल्गी के बारे में देख लिया। आगे हम बात करेंगे कि इनका क्या आर्थिक महत्व भी है एल्गी का, ये कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। तो जैसे अलवा हो गया, अलवा नामक शैवाल, हो गया वो क्या है? इसको समुद्री सलाद भी कहते हैं। समुद्री सलाद भी इसको कहते हैं। बात करें यहां पे नॉस्टॉक को, नॉस्टॉक, तो नॉस्टॉक को क्या करते हैं? चीन के लोग इसे सलाद के रूप में प्रयोग करते हैं। आगे हम बात करें कृषि में भी, ये जो एल्गी हैं वो कृषि में भी सहायक होते हैं। तो कृषि में जैसे कि नॉस्टॉक और एनाबीना शैवाल, ये क्या करते हैं? नॉस्टॉक और एनाबीना एल्गी ये क्या करते हैं? कृषि में ये लाभदायक होते हैं। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन को स्थितिकरण करने का काम करते हैं, यानी नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ये परिवर्तित करते हैं, जिससे क्या होते हैं? पौधों उसको लेते हैं, नाइट्रेट के पौधे लेकर अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं। इसी तरह हम बात करेंगे आगे, जैसे नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल जो है कृषि के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि यह कृषि में उर्वरा उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जैसे कि हमने थैलोफाइटा को कंप्लीट कर लिया है और पादप किंगडम को भी यहाँ पे समझ लिया है, आगे हम इसमें बात करेंगे ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा के बारे में, और उसके बारे में बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा जिसके बाद से आप बोर होने लगेंगे। तो इसलिए हम वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। आज का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।